आज ये जो इंसिडेंट हुआ और रिंग रोड पर ऑयल टैंकर्स का जो है ऑयल स्पिलेज जो हुआ है यहाँ पे, ये इंसिडेंट्स को अगर हम रोकने में नाकाम रहे तो बिकॉज जैसा बोला जाता है व्हेन वी आर अनेबल टू स्टॉप द इंसिडेंट्स इट विल लीड टू एक्सीडेंट्स। ये जो ब्रेकर्स हैं, ब्रेकर्स के ऊपर कोई इंडिकेशन नहीं है, जो रेड लाइट्स का इंडिकेटर्स आते हैं जो रोड पे लगाने के, अगर वो लगाते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आने वाले को रात में उसको पहले ही पता चलेगा कि कोई स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे, वो स्लो हो जाएगा। लोग गफलत में आ रहे हैं, वो ब्रेकर उड़ाते हैं, एक्सीडेंट होता है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एमएसके मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई बीएससी डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। आज ये जो इंसिडेंट हुआ रिंग रोड पर, जहाँ पे ऑयल टैंकर का जो यूज्ड ऑयल लेके जाते हैं टैंकर्स, वो टैंकर्स का जो है ऑयल स्पिलेज जो हुआ है यहाँ पे रिंग रोड, ये जो हागर का क्रॉस से लेकर महबूबनगर सर्कल तक, ये इंसिडेंट्स को अगर हम रोकने में नाकाम रहे तो बिकॉज जैसा बोला जाता है व्हेन वी आर अनेबल टू स्टॉप द इंसिडेंट्स इट विल लीड टू एक्सीडेंट्स। और हर दिन हम यहाँ पे देख रहे हैं नियर मिस लगे हुए हैं रिंग रोड पे, सेफ्टी हैजार्ड्स है कंटिन्यूस। कल रात भी जो है यहाँ पे ब्रेकर पे एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ जो शायद मनूर हॉस्पिटल में एडमिट है। ये जो ब्रेकर्स हैं, ब्रेकर्स के ऊपर कोई इंडिकेशन नहीं है, जो रेड लाइट्स का इंडिकेटर्स आते हैं जो रोड पे लगाने के, अगर वो लगाते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सो इट विल आने वाले को रात में उसको पहले ही पता चलेगा कि कोई स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे, वो स्लो हो जाएगा। लोग गफलत में आ रहे हैं, वो ब्रेकर उड़ाते हैं, एक्सीडेंट होता है, इसमें बहुत सारे लोग अभी तक हादसों में जान भी गंवा चुके हैं। तो ये जो रिंग रोड का जो मेजर इशू है, ये कनेक्टेड टू सब रोड का जो अभी तक नहीं बना है यहाँ पे, ये सब रोड के वजह से ये एक्सीडेंट्स हैं या इंसिडेंट्स हैं जो लोगों को जानी माली नुकसान हो रहा है, ये सब रोड की वजह से है। जैसा कि ये जो हमनाबाद सर्कल से लेकर राम मंदिर तक का जो सब रोड है, ये आता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में, लेकिन पता नहीं क्यों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी तक सोया हुआ है के खरगे पंप से लेके उधर का रोड कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन यहाँ से लेकर ये जो हमनाबाद सर्कल से लेके खरगे पंप के बीच का रोड क्यों नहीं बनाया हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, लोगों का जानी मानी नुकसान जो चला है, हम कंटिन्यूसली रिमाइंड कर रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि ये सब रोड्स को कंप्लीट करे, लोगों को जानी माली नुकसान से बचाए। आज जैसे कि आज एक बड़ा केमिकल हैजार्ड भी बोल सकते हैं आप इसको, आज एक पूरा जो ऑयल टैंकर से लगभग 4000 यूज्ड ऑयल जो स्पिलेज हुआ है रिंग रोड पर, ये ऑयल को जो है सीधे स्ट्रॉम ड्रेन में छोड़ा गया है, ये अलग से हैजार्ड है। ये पता नहीं ऑयल में क्या क्या रहेगा, ह्यूमन के लिए सेफ होगा अनसेफ होगा ये पता नहीं है, एनिमल्स के लिए सेफ होगा अनसेफ होगा पता नहीं है। ऑयल स्पिलेज हो गया, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्कर्स आ गए, उसको स्टॉर्म ड्रेन में आप डाइवर्ट करके चले गए, और आप देख सकते हैं अभी जिस तरीके से मट्टी डालकर या उसको डाल के उसको कंट्रोल करने का ये किया जा रहा है, इट इज़ टोटली अनसेफ। अगर एक छोटा सा स्पार्क भी होता है या कुछ सिगरेट पीकर कोई फेंक भी दे इस पर, तो ये फायर होने का रिस्क बना अलग रहेगा। तो हमारा हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यही रिमाइंडर है कि जल्द से जल्द ये सब रोड का काम शुरू करें, अगर नहीं शुरू करते हैं तो फिर मजबूरन है कि एरिया के लोग जो शॉप ओनर्स हैं ये सारे लोग फिर हाईवे जाम करेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रहेगी, जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि अपना जानी मानी नुकसान बचाने के लिए जिनको जो सही लगेगा वो करेंगे। अब ये जानी मानी नुकसान से बचने के लिए, माली नुकसान से बचने के लिए यही एक जरिया बच रहा है लोगों के पास कि ये रास्ता बंद करके सब रोड बनने तक ये रोड पे हैवी ट्रैफिक को बंद कर दिया जाए। अगर ये अगर सब रोड नहीं बनती है तो फिर दुकानदार हैं, ये रेसिडेंशियल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, ये रिंग रोड जाम करेंगे, सब रोड बनने तक फिर यहाँ पे हम हैवी ट्रैफिक को अलाउ नहीं करेंगे। हम अपील करते हैं CPIM से कि जल्द से जल्द ये रिंग रोड का कनेक्टेड सब रोड जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जिसका 5 साल पहले एस्टिमेशन भी बन चुका था, पता नहीं फिर क्यों काम रोक दिया गया, अभी तक काम नहीं हुआ है। खरगे पंप से उधर बना हुआ है रोड जो कि हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, ये भी खरगे पंप से लेके हमनाबाद सर्कल तक भी हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम यही रिमाइंड कर रहे हैं कि इट इज़ बेटर टू कंस्ट्रक्ट द सब रोड एट द अर्लीस्ट, और एल्स पीपल विल एजिटेट एंड द ब्लॉक द रिंग रोड फॉर हैवी ट्रैफिक। इट विल बी सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पे आपको इंसिडेंट होता है
तो पब्लिक फिर यहाँ से हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर केस भी फाइल करेगी, जो कि क्लेम करेंगे हाईवे अपना जाली और मानी नुकसान के लिए। थैंक यू। आए दिन यहाँ पर सर जो हागरगा तिराज से लेकर के करके पेट्रोल पंप तक जो ट्रैफिक का जो इशू है, तो आप उसको आपके नज़र से क्या कहेंगे सर? देखिए साहब, सबसे पहले मैं जैसे अभी बताया, खरगे पेट्रोल पंप से लेके हमनाबाद सर्कल तक ये जो सब रोड है, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में नहीं आती है या कॉरपोरेशन के अंडर में नहीं आती है, ये रोड आती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है। 120 फीट रोड का जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रॉपर्टी है, ये उनके अंडर में आती है, और जो वो एक्वायर किए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और शायद कहीं पे कोई ओनर्स का अगर लैंड देने के बाद कोई स्टे वगैरह है तो एक अलग सी इशू है, लेकिन जो क्लियर है, जितना एरिया क्लियर है उतने एरिया के लिए तो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रोड बना सकती है। ये हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फेलियर है जो सब रोड नहीं बनाने से लोगों का जान जा रहा है, लोगों के अपाहिज हो रहे हैं, लोग उनके कारोबार या बोलिए उनके एक्सीडेंट्स में जानी माली नुकसान हो रहा है। तो हम कंटिन्यूसली ये रिमांड कर रहे हैं हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ये कंटिन्यूसली सिंस 3-4 ईयर्स जो है ना कंटिन्यूसली चला हुआ है, और ये जो रोड्स का जो डैमेज है इसका मेन रीज़न है जो ट्रैफिक, जो हैवी ट्रक्स जो सैंड लेके जाते हैं, जो इनकी बिलो जो रोड की कैपेसिटी से काफ़ी ऊपर का लोड लेके जाते हैं, ये रोड डैमेज होती है। इसको ना पुलिस रोक रही है, ना हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये रोड का कैपेसिटी बढ़ाने तैयार है, तो इसका खामियाजा, इसका नुकसान तो आवाम भर रही है। तो इसके लिए हम यही कह रहे हैं कि खरगे पंप से लेके हमनाबाद सर्कल तक हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इमीडिएट सब रोड बनाए, या नहीं तो कुछ ऐसा प्रपोजल करके KKRDB या MLA के अंडर में दे, ताकि वो लोग इसको हाईवे या तो ये सब रोड को कंस्ट्रक्ट कर सके और लोगों को नुकसान से बचा सके। थैंक यू। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, MSK मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई BSc डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी, एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड।